दूसरा क्या है, रचना, यही स्वर, स्वरों का वर्गीकरण ही देख रहे हैं, ठीक है ना, स्वरों का वर्गीकरण ही देख रहे हैं, वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण ही देख रहे हैं, जिसमें जिसमें दूसरा देख रहे हैं, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में, ठीक है ना, रचना या बनावट के आधार पर भी दो भागों में बांटे हैं, एक एक है, एक को कहते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और इसको कहते हैं संधि स्वर। क्या कहते हैं, संधि स्वर। तो नाम से ही पता चल रहा है, मूल स्वर का मतलब जो मुख्य होते हैं, और संधि स्वर का मतलब जो संधि, संधि का मतलब मिलना, जो मिलकर बनते हैं उसको संधि स्वर कहते हैं, और जो बिना मिले, कि जो जिसमें कोई भी स्वर नहीं मिला रहता है उसको मूल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको रूढ़ स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर को रूढ़ स्वर भी कहते हैं, रूढ़ स्वर, और इसी को बीजाक्षर भी कहा जाता है, बीजाक्षर भी कह सकते हैं, बीजाक्षर भी इसी को कहते हैं। और संधि स्वर को और क्या क्या कह सकते हैं, इसको बनावटी स्वर, स्वर भी कहेंगे, बनावटी स्वर, बनावटी स्वर मतलब जो बनाए जाएं, बनावटी स्वर। और कृत्रिम स्वर भी इसी को कहते हैं, कृत्रिम स्वर, कृत्रिम स्वर, कृत्रिम मतलब जो बनाया जाए, ठीक है ना। मूल स्वर और संधि स्वर को हम लोग देख रहे हैं। तो इसको देखिए, इसका निर्माण, इसका निर्माण किसी किसी अन्य स्वर के, अन्य स्वर के योग से नहीं होता है, किसी अन्य स्वर के योग से या मिलने से नहीं होता, ठीक। देखिए, इसका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होता है, मतलब किसी अन्य स्वर के मिलने से नहीं होता है, इसमें एक खुद ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, इसमें मिला नहीं रहता है कुछ, ठीक है ना। और जो बनावटी संधि स्वर होता है, ये दो स्वरों के योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं, दो स्वरों के मिलने से या योग से, दो स्वरों के योग से बनते हैं। कौन दो स्वरों के योग से बनते हैं, संधि स्वर ये दूसरा जो है, ठीक है, ये वाला, और ये मूल स्वर जो है इसमें कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए कौन कौन से मूल स्वर होते हैं और कौन कौन से संधि स्वर होते हैं, इसको देख लीजिए। तो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होता है अ, ई, उ और रि, ये क्या हैं, हमारे मूल स्वर हैं, क्या हैं, मूल स्वर हैं। और कृत्रिम या संधि स्वर कौन कौन से हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, संधि स्वर का मतलब जो मिल कर के बनते हैं। तो देखिए संधि स्वर कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इसके बाद दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक दिख रहा है, देखना पड़ेगा हमें उ, अब उ के नीचे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, उ, और कौन से होते हैं, आ, ई, उ, इसके बाद ए, ए, ओ, ये सभी हैं बनावटी स्वर, संधि स्वर। क्यों संधि स्वर हैं, क्यों बनावटी स्वर कहेंगे, क्योंकि जो आ है इसमें दो वर्ण, दो स्वर मिले हैं, अ
प्लस अ से बना है, ठीक। और जो ई है छोटी ई प्लस छोटी ई से बनती है, और जो ऊ है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है, ठीक, समझ में आया। और ए कैसे बना है, अ प्लस ई से बना है ए, ठीक। और आय कैसे बना है, अ प्लस ए से बना है ए। ओ कैसे बना है, अ प्लस ऊ से ओ बना है। और औ कैसे बना है, अ प्लस ओ से औ बना है, समझ में आ जाना। ए बना है अ प्लस ई, ए बना है अ प्लस ए, ओ बना है अ प्लस ऊ, औ बना है अ प्लस ओ से, ये मिलकर बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि स्वर। दिख रहा है कि नहीं नीचे तक दिख रहा है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब संधि स्वर को भी बांट दिए हैं दो भागों में, कितने भागों में संधि स्वर को बांट दिए हैं, दो भागों में, कौन कौन देख लेते हैं, इसको मिटा करके देखते हैं, जगह कम पड़ रहा है तो देख लेते हैं। इसको मिटा करके संधि स्वर को देखते हैं, संधि स्वर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। संधि स्वर को कितने भागों में बांट दिया गया है, संधि स्वर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो सजाती, सजातीय, सजातीय संधि स्वर, और दूसरा विजातीय, विजातीय, दूसरा विजातीय संधि स्वर। पहला सजाती संधि स्वर, दूसरा विजाती संधि स्वर। सजाती का मतलब और विजाती का मतलब जान लीजिए। सजाती का मतलब जो एक ही जाति का हो, विजाती का मतलब जो अलग अलग जाति का हो, ठीक है ना। सजाती में कौन कौन से आ जाएंगे, संधि स्वर आप लोग देख लिए, संधि स्वर कौन कौन से हैं अभी यहाँ पर देखे हम लोग, तो संधि स्वर में यही है ना, संधि स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, औ, यही संधि स्वर है ना, इसी को भी हम लोग देखे हैं। तो इसमें से कुछ तो सजाती हैं, कुछ विजाती हैं। तो सजाती कौन कौन से हैं, सजाती का मतलब अपनी ही जाति का, जैसे अ, ई, उ, क्या हो जाएगा, अ नहीं आ है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हैं सजाती। सजाती क्यों सजाती हैं, क्योंकि अपनी ही जात से बने हैं। जैसे ए, आ जो है अ और अ से ही बना है ना, तो अब एक ही जाति क्या है, और ई जो है ई प्लस ई से ही बनी है, तो ये भी एक ही है, अपनी ही जाति का है, और ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बना है, तो ये भी अपनी ही जाति का, सजाती हुए। और विजाति कौन कौन से हैं, ए, ए, ओ, औ, क्यों विजाति हैं, क्योंकि दो जातियों से मिलकर बने हैं। जैसे ए किससे बना है, ए बना है अ प्लस ई से बना है, तो अ और ई दोनों अलग अलग हैं, विजाति इसीलिए कहेंगे। और इसमें कोई भी देख लीजिए, जैसे आ को लेंगे तो अ और अ से बना है, ई को लेंगे तो ई और ई से, मतलब एक ही जाति से, एक ही बिरादरी है, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग, जैसे ए किससे बना है, अ और ई, अ ई अलग अलग हैं इसलिए विजाति, और ए किससे बना है, अ प्लस ए से बना है, तो ए भी दोनों अलग हुए, अ अ ए अलग हुए। ओ किससे बना है, अ प्लस ऊ से बना है ओ, औ किससे बना है, अ प्लस ओ से बना है औ, तो ए हुए हमारे क्या, विजाति सभी, ये सभी विजाति स्वर हैं, विजाति संधि स्वर हैं, और ये सजाति संधि स्वर हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है। और
चलिए आगे देखते हैं।